हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल परी इटू जय। आज मैं आपको बता रही हूँ गोमिल बटाटा और ये शोगी की फल्ली है ड्रमस्टिक, इसका ग्रेवी बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ले ली हूँ ये शोगी की फल्ली ड्रमस्टिक, ये गोमिल है, इसको धो के मैंने रखी हूँ, इसको भी धो के और ये सब चीज़ों को, ये एक प्याज है, लहसुन है, अदरक नहीं लेना है और एक बटाटा है। और ये मैंने जवारी का आटा ली हूँ, रोस्ट की हूँ, थोड़ा सा तवे पे ऐसा इसको थोड़ा सा ये की हूँ, जवारी का आटा। ये अगर तुम्हारे पास हो तो जवारी का आटा इस्तेमाल करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए पहले बोमिल को हम फ्राई करते हैं तेल में। तेल गरम होगा तो फिर हम ये डालेंगे। इस तरह हमें इसे फ्राई करना है बोमिल को। अभी और ये हो गई है बोमिल फ्राई, अभी मैं निकालती हूँ, गैस ऑफ करती हूँ। अभी हमें ये प्याज को बारीक चॉप करना है, टमाटर को और आलू को। अभी हमने ये चॉप करके रख दिए हैं प्याज आलू टमाटर, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बनाना। गैस पे मैंने तपेला रखी हूँ, ये जो बोमिल फ्राई किए थे वो तेल डालेंगे इसमें। पहला तेल आपको जितना चाहिए तुम्हारे मतलब हिसाब से। अभी हम प्याज डालेंगे पहला, थोड़ा तेल गरम, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी गरम था बोमिल जिसमें फ्राई किए थे। इसी में जीरा डालेंगे और राई डालेंगे। अगर इसमें ऐसा राई डालेंगे तो राई उड़ेंगी नहीं। देखिए फूट रही है राई लेकिन उड़ नहीं रही है, अगर हम ऐसा डालेंगे तो। थोड़ी प्याज होएंगी तब हम टमाटर डालेंगे। पहले ये जो मैंने अदरक लहसुन यहाँ पे कूट के रखा है, अदरक खाली अदरक नहीं खाली लहसुन कूट के रखा है मैंने, ये डालेंगे। कोई भी मच्छी के इसमें अदरक नहीं डालना है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या मच्छी के कोई भी ग्रेवी या कुछ भी इसमें सिर्फ लहसुन ही डालती हूँ। अभी हम टमाटर डालेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि टमाटर नरम होने के लिए। धनिया की बुक्की, जो जीरा और धनिया मैंने घर का पिसा हुआ है, और ये घर का मसाला है मिर्ची का,
इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्दी डालेंगे। अब इन्हें टमाटर पकने तक का और प्याज नरम होने तक का हम इसे ढक के रखेंगे तेल सूखने तक का। अभी हम देखते हैं कहाँ तक कुक हुआ है। ये टमाटर थोड़े नरम हो गए हैं तो ये स्टेज पे हम इसमें आलू डालेंगे। और ये जो आटा है जवारी का जो मैंने थोड़ा सा भून के रखा है ये डालेंगे। इसे जल्दी जल्दी ये करना है नहीं तो गाटी हो जाएंगी। इस तरह से इसमें ये ड्रम्स शुगर की फल्ली जो ड्रम्स ये डालेंगे और नमक और थोड़ा डालेंगे। और ये गरम पानी मैंने पहले ही करके यहाँ रखा था। ये गरम पानी जो मैंने करके रखी थी ये थोड़ा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे हम। बोमिल हमें बाद में डालना है। ज़रा ये गल जाए, हाफ कुक हो गए तो जब हमें बोमिल डालना है। पानी हम ऐसा गरम इतना डालेंगे अंदर और स्लो पे हम ढक के रख देंगे। अभी अभी हम देखते हैं कहाँ तक कुक हुआ है। वाओ देखिए और आधे से ऊपर हो गया है तो अभी हम इसमें बोमिल डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर कोई भी सूखी बोमिल खाता है और जो नहीं भी खाते हैं तो वो एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। अभी हम ढक के रखेंगे थोड़ा 5 मिनट तक का। देखते हैं हम फिर से के हो गया है क्या। ये देखिए माशाल्लाह। देखते आलू वगैरह हो गए क्या। हाँ हो गए। अभी हम गैस बंद करते हैं और मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ये देखिए आ जाइए खाने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।